तो जय हिंद दोस्तों, जय माता दी। आपका नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि ये हम लोग दुर्गा मंदिर विराटेश्वरी धाम आए हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का क्या कैसे नजारा है। क्यों चलिए तो ठीक है, देखते हैं। ये हमारे मालिक काका की फूलों की दुकान है, मिलिट्री के आदमी है, बैठे हुए हैं दुर्गा मंदिर प्रांगण में। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जय श्री माते जी। मित्रों जय माता दी सभी मित्रों को। और जैसे कि आज हम लोग विराट मंदिर में आ चुके हैं, ये हैं भूरा महाराज की समाधि मूर्ति है इनकी, और ये हैं रुद्र शिव, और ये हैं शनि देवता का मंदिर है छोटा सा। आगे चलते हैं। ये है काल भैरव की मूर्ति, और आगे हैं दुर्गा मंदिर। सभी प्रकार के देवी देवता हैं। मैं आपको जैसे कि बने रहिए वीडियो में, दिखाता हूं मैं जी। बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखिए सामने से दर्शन करिए माता जी के। अभिनंदन। ये हैं शंकर जी, जय शिव शंकर। ये हैं शंकर पार्वती जी, माता गौरी और शंकर जी। ये शंकर जी के नीचे बाल कृष्ण जी हैं। बाल कृष्ण जी कितने सुंदर मुद्रा में बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। शंकर जी के गले में नाग है। ये राधा कृष्ण जी हैं, राधा कृष्ण जी, राधा जी खड़ी हैं बगल में। और ये हैं परशुराम जी, जी परशुराम महाराज जी खड़े हैं धनुष बाण और फरसा लेके हाथ में। ये कबीर दास जी महाराज हैं, जय हो। ये हैं जय श्री राम जी, ये हैं अपने आप तो जानते होंगे हनुमान जी हैं, विराट रूप रखे हनुमान जी हैं। एक तरफ से पूंछ से मंदिर को संभाले हुए हैं, पकड़े हुए हैं। पीछे इनके गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है। ये देखिए, इसी के अंदर बाबा जी का स्थान है रहने का। ये कितनी सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं, सभी प्रकार के देवी देवता, रामायण की और बकायदे यहाँ पर बेहतरीन प्रकार की। ये कल्चरी कालीन मूर्तियां हैं, रखी हैं यहाँ पर भगवान की मूर्तियां हैं सब कल्चरी कालीन। शंकर जी हैं और भी देवी देवता हैं कुछ। ये यहाँ पर अपने भूरा महाराज जी जो होते रहते हैं, इनका स्थान रहा है इनके अभी। ये जिनकी यज्ञ स्थली है, ये क्योरियम वगैरह रखा है यहाँ पर, ध्यान पूजा वगैरह करते हैं ये। ये हैं अपने, ये अपने गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति लगी है गुरुदेव की। ये हैं शंकर जी की मंदिर है छोटा सा, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। बगल में है दाएं तरफ दुर्गा मंदिर के, और पीछे उनकी सीनरी है बहुत ही सुंदर। और ये कल्चरी कालीन कुछ मूर्तियां यहाँ पर हैं, प्राचीन यहाँ पर मूर्तियां हैं, ये संग्रहित करके रखी गई हैं। बहुत ही प्राचीन मूर्तियां, कल्चरी कालीन मूर्तियां हैं ये, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं ये। खुदाई में निकली हुई मूर्तियां हैं, जहाँ कहीं भी पाए गए तो इसको ले आके यहाँ पर। ये शंकर जी हैं, ये शंकर जी हैं, और ये हैं बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। ये पूरा बाबा बर्फानी की गुफा का बिल्कुल यहाँ पर सीन बनाया गया है। और ये हैं माता जी की एक छोटी सी प्यारी सुंदर सी मूर्ति, और शंकर जी के पीछे ही ये बने हुए हैं नटराज स्वरूप में। ये शंकर जी नाचते हुए मुद्रा में, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। सामने माता जी की मूर्ति, ये बाबा बर्फानी का बहुत ही सुंदर गुफा यहाँ पर निर्माण करी गई है, और कल्चरी कालीन मूर्तियां रखी गई हैं। शंकर जी हैं, ये देवी माता की मूर्ति है यहाँ पर। जय माता दी, बहुत ही सुंदर। और ये राधा कृष्ण जी हैं, जय जय श्री राधे। ये देखिए राधा कृष्ण की एक सुंदर झांकी, दुर्गा मंदिर के राधा कृष्ण मन को मोह लेने वाली झांकी है। दाएं तरफ राजकृष्ण मंदिर के छोटे के अंदर ये हनुमान, बाल हनुमान, बाल हनुमान है इनको कह सकते हैं अपन, छोटे हनुमान जी हैं।
ये मूर्तियाँ प्राचीन कल्चरी कालीन मूर्तियाँ हैं, ये कुछ नई। ये नरसिंह भगवान है, ये हैं अपने नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान जी की ये मूर्तियाँ हैं। फिर चलते हैं बाहर की तरफ, अपन देखते हैं ये कबीर दास जी महाराज हैं और ये जो आपको बता रहे सब विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो गई हैं। और इसके अब अपन बहुत ही सुंदर झांकी देखते, यहाँ का ये कुआं है, ये कुआं जो है बहुत ही मतलब शीतल जल के लिए है। पहले कुआं ही रहा, यहाँ पर हैंडपंप नहीं रहा है, अब हैंडपंप हो गया, कुआं पहले रहा है। हाँ तो भाई साहब कहाँ से आए हैं रहा है, ये हमारे भाई साहब बिहारी मध्य प्रदेश। तो दुर्गा मंदिर विराटेश्वरी मंदिर घूमने आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कितने बार आ चुके हैं आप? दूसरी बार आ पाए हैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद। शहडोल शहर का दुर्गा मंदिर बहुत ही माना जाना मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये बहुत ही माना जाना प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ के जो भूरा महाराज रहे, बहुत ही सिद्ध बाबा जी हुआ करते रहे, उनके अभी लड़के हैं, अभी यहाँ के पंडित जी हैं, तो वो उनकी पदवी संभाले हैं। जय माता दी। ये देखिए माता की भव्य झांकी, माता की भव्य झांकी झांकी देखिए, यहाँ देखिए रामायण का पाठ चल रहा है, महिलाएं बैठ के प्रतिदिन यहाँ पर रामायण का पाठ करती हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं माता की सुंदर झांकी आपके सामने प्रस्तुत है, और भी अनेक देवी देवता यहाँ पर विद्यमान हैं। और ये भूरा महाराज के जो लड़के हैं उनकी यहाँ पर पंडित जी की ये फोटो लगी है, और यहाँ पर देवी जी के 108 नामों का यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ सभी प्रकार की जो प्राचीन देवियाँ हैं उनकी यहाँ पर सभी की प्रतिमाएं लगी हैं, जो शहडोल जिले में जो हैं अपने जो भी देवी देवियाँ हैं सभी की यहाँ प्रतिमाएं आप पाएंगे। और भी बहुत प्रकार के देवी देवताओं की यहाँ पर, विभिन्न प्रकारों के देवी देवताओं की यहाँ पर फोटो मूर्तियाँ झांकी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है यह विराटेश्वरी माता के नाम से प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में। ये राधे कृष्ण की झांकी देखिए कितनी सुंदर मनोरम झांकी है, वीडियो देख रहे सभी बंधुओं को, सभी भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन अभिनंदन तथा वंदन करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी प्रकार से मैं अपने शहडोल के एवं और भी मध्य प्रदेश के, हो सके तो दुनिया भर के भी घुमाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को मंदिर कैसे हैं और कैसी जगहें हैं। ये देखिए रामायण का पाठ चल रहा है, महिलाएं रामायण का पाठ कर रही हैं, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाहर से क्या भव्य नजारा मंदिर का दिखता है, लगता है कि मंदिर कहीं स्वर्ग में बना हुआ है या स्वर्ग से भी ऊपर है। वैसे माता का स्थान तो स्वर्ग से भी ऊपर होता है। ये देखिए बाल कृष्ण की सुंदर झांकी, ऊपर से स्नाक जी हैं, क्या सुंदर झांकी है। ये बगल में उनके साईं बाबा जी विराजमान हैं, और ये प्रस्थान करने का द्वार बना गया है। बाबा जी की गाड़ी है, ये बाबा जी की गाड़ी है, इनके बारे में जानेंगे। गाड़ी का मॉडल बहुत अच्छा है, ये देखिए। ये हमारे जो हैं अगम जी, ये बता रहे हैं गाड़ी के बारे में, बहुत पुरानी गाड़ी है। तो ये गाड़ी कैसी आपको लगी? बहुत
अच्छी गाड़ी लगी, लेकिन अच्छी भी है, पुराने जमाने गाड़ी अच्छी होती है, है ना? आइए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए गेट खुला है सर, सुंदर गाड़ी, बाबा जी के जमाने की गाड़ी है, है ना? बाबा जी के जमाने की गाड़ी है, सुंदर गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। तो आपको अच्छी लगी ये गाड़ी?